उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही छुट्टा जानवरों से आम आदमी को राहत दिलाने के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन छुट्टा जानवरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। शासन प्रशासन के जानवरों को लेकर किए जा रहे सारे दावे विफल साबित हो रहे हैं और किसानों से लेकर आम जनमानस तक सड़क पर घूम रहे छुट्टा मवेशियों से परेशान है। यह मवेशी दिन पर दिन हादसे का कारण भी बनते जा रहे हैं। आज दिन सोशल मीडिया पर मवेशियों के द्वारा लोगों पर हमले के वीडियो वायरल होते रहते हैं। छुट्टा मवेशी अब तक खेतों और सड़कों पर अपना आतंक मचाए हुए थे, लेकिन अब मवेशियों ने सरकारी भवन पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऐसा ही एक वाक्य हरदोई जनपद में हुआ है, जहाँ पर एक 4 मंजिला सरकारी भवन की छत पर दो सांड चढ़ गए हैं। दो सांड को छत पर चढ़ा देख तहसील में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों व लोगों ने दोनों सांडों को छत से नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास विफल साबित हुए। दोनों सांड के सरकारी भवन की छत पर चढ़े होने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर लोग सरकार के द्वारा मवेशियों के लिए बनाए गए आश्रय स्थल को लेकर के किए जाने वाले दावे की पोल खोलना बता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मवेशियों को सरकारी भवन की छत पर नहीं बल्कि अधिकारियों के कमरे में जाना चाहिए था, जिससे कि अधिकारियों को किसानों से लेकर आम जनमानस की समस्या नजर आ जाए। हरदोई जनपद के सबाजपुर तहसील में बुधवार को दो सांड अचानक तहसील भवन की 4 मंजिला छत पर चढ़ गए। तहसील की छत पर चढ़े सांडों को देख अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सांडों के छत पर पहुंचने की खबर आग की तरह फैली और वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। इसी दौरान किसी ने सांडों के तहसील भवन के छत पर खड़े रहने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल हो जाने के बाद लोग सांडों को लेकर अपनी अपनी राय रखने लगे, वहीं सरकार के दावों पर भी व्यंग कसने लगे। तहसील भवन की छत पर दो सांडों के चढ़े होने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम काफी देर तक मशक्कत करती रही, लेकिन सांडों को 24 घंटे के बाद भी नीचे नहीं उतारा जा सका। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी जब दोनों सांडों को छत से नीचे उतारने में कोई सफलता हासिल नहीं हुई, तो SDM के आदेश पर दमकल विभाग की टीम के साथ पशु विभाग के कर्मचारियों ने दोनों सांडों को तहसील भवन की छत से नीचे उतारने के लिए क्रेन मंगवाई। क्रेन की मदद से दोनों सांडों को छत से उतारा गया, तब जाकर अधिकारियों की जान में जान आई। ही दोनों सांडों को छत से नीचे उतार दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों सांड सरकारी भवन की 4 मंजिला इमारत पर कैसे चढ़े और इसमें किसकी लापरवाही है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले पर प्रशासन क्या काम करता है और कैसे कार्रवाई करता है। हालांकि अब दोनों सांड छत से नीचे उतर गए हैं, तो अधिकारियों और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। परसों रात को कोई कर्मचारी आया है तहसील में रहने वाले आवासीय क्षेत्र के, उन्होंने गेट ना छोड़ दिया, तो एक सांड को दौड़ाते हुए दूसरा सांड आया है, वो दौड़ के एकाएक छत पे चढ़ गया रात को करीब 11:30 बजे। कल दिन में कोशिश की गई थी उन्हें उतारने की पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा तथा फायर ब्रिगेड द्वारा, परंतु वो उतर नहीं पाए, तो उनके चारे पानी की व्यवस्था करा दी गई थी। आज सुबह उनको रेस्क्यू करके नीचे उतारा।